दोस्तों आज मैं 40 साइज का सिंगल कटोरी ब्लाउज कटिंग करके दिखाऊंगी। स्टेप बाय स्टेप पूरा दिखाने की कोशिश करूंगी। जो लोग बोलते हो ना कि आप लोगों को कटिंग करना नहीं आता है, सिलाई करना भी नहीं आता है, और जब करते हो उस टाइम फिटिंग अच्छा नहीं होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरे बॉडी पे जो ब्लाउज है ना, ये भी सिंगल कटोरी ब्लाउज है। आप लोग यहाँ पे फिटिंग देख सकते हो कितना अच्छा हुआ है। बैक और फ्रंट दोनों साइड पे यहाँ पे देख लीजिएगा, तो इस तरीके से आपको काट करना है। देखिए यहाँ पे जो मैंने ब्लाउज किया था, ये उरे भी नहीं किया था, मैंने डायरेक्ट कटिंग कर लिया था, फिर भी यहाँ पे फिटिंग्स कितना अच्छा हुआ है। और उरे करने से और भी अच्छा फिटिंग्स यहाँ पे होता है। तो दोस्तों कैसे कटिंग करना है स्टेप बाय स्टेप पूरा दिखाऊंगी, और सिलाई कैसे करना है 40 साइज का मैं कॉमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी 38 साइज का। देखिए 38 साइज का सिलाई और 40 का सिलाई दोनों बराबर होता है। सिर्फ आपको फिटिंग्स करते टाइम आपको अपनी बॉडी के हिसाब से फिटिंग्स कर लेना है और कुछ भी नहीं करना है, बाकी सब कुछ सेम है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सविता। उम्मीद है आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे हो, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। चलिए दोस्तों, और टाइम वेस्ट नहीं करना है, किस तरीके से 40 साइज का सिंगल कटोरी ब्लाउज कटिंग करना है स्टेप बाय स्टेप पूरा देख लेते हैं। बैक पार्ट आपको डायरेक्ट फेब्रिक में कटिंग करना है, इस तरीके से आपको टू फोल्ड करना है। मैंने यहाँ पे पेपर लिया जिसके कारण सिंगल लिया। अभी लंबाई आपको अपने हाइट के हिसाब से लेना है। नॉर्मली देखिए 40 साइज से 15 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, तो नॉर्मल के हिसाब से मैं 16 रखूंगी सिलाई मार्जिन लेके। अभी इसको बराबर कर लेना है 16 पे। अभी यहां से शोल्डर लेना है 5.5। पहले सबको डीप नेक पे समझाऊंगी, उसके बाद हाई नेक पे। 40 साइज पे देखिए आर्म होल किसी का 6 भी हो सकता है, किसी का 5.25 भी हो सकता है, जिसको जितना आता है ना उसी हिसाब से यहाँ पे लीजिएगा। तो मैं फ्री के हिसाब से 6 पे रखूंगी। यहाँ से भी 5.5 पीस लेना है, दोनों पॉइंट को मिलाना है, इसको भी सीधा करना है। अभी चेस्ट का 4th भाग लेना है, 10 इंच पे रख देना है। इसके साथ आप 2 इंच एक्स्ट्रा रख दो, हो गया। अभी आर्म होल की गोलाई दो 1.5 इंच पे रख देना है। आर्म होल की गोलाई यहाँ पे हो गया है। टोटल जितना अपर चेस्ट हुआ है उससे मैं 1.5 इंच कम रखेंगे कमर के लिए। इस तरीके से लेने से क्या होता है, थोड़ा सा फैब्रिक ज्यादा होता है, लेकिन अलग से मेजरमेंट लेने का जरूरी नहीं होता है। क्या चौड़ा यहाँ पे 2 इंच रखना है, और नीचे की तरफ देखिए 10.5 इंच रख दो। अगर किसी के बहुत ज्यादा चाहिए तो और भी ज्यादा ले सकते हो। यहाँ पे देखिए 3.5 इंच रखो। अभी पहले इसको सीधा मिलाओ। यहाँ पे देखिए अगर किसी को पान नेक करना है उस टाइम पे देखिए क्या करना है, इस तरीके से कर लेना है। अगर किसी का मटका गला देना है उस टाइम पे देखिए क्या करना है, हल्का सा ऐसे लाना है, फिर इस तरीके से कर लेना है। जिसको जैसे पसंद है उसी हिसाब से यहाँ पे आप लोग ले सकते हो। अगर किसी को और भी फैला हुआ देना है वैसे भी दे सकते हो। यहाँ पे हल्का सा आपको डाउन करना है, देखिए इस तरीके से ऐसे तिरछा करना है। इसमें 5.5 इंच पे रख दो, ऊपर की तरफ 6 इंच से 200 ज्यादा उठा लो, हो गया है। और कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। स्लीव्स के लिए हमेशा बैक पार्ट से यहाँ से मेजरमेंट लेना है, इस तरीके से इंची टेप को रखना है। 10 इंच से 300 यहाँ पे कम हुआ है, जितना हुआ है ना उससे 1 इंच ज्यादा लेना है, तो 11 इंच से 300 कम रखूंगी स्लीव्स का चौड़ाई। अभी देखिए स्लीव्स का लंबाई रख लो, अपने हिसाब से रख लो। अगर 8 इंच रखना चाहते हो तो 8 इंच रख दो। इसको पहले बराबर मिलाना है, जॉइंट साइड से लेना है स्लीव्स का चौड़ाई। 11 इंच से 300 कम चाहिए तो यहाँ से बराबर करना है, हो गया। अभी जहां से ओपन साइड वहां से हमें डाउन करना है, यहाँ से 4.5 इंच डाउन कर लो, इसको तिरछा कर लेना है। भाई स्लो
हो गया। मोहरे के लिए हल्का तिरछा कर दो। प्रॉन के लिए जरूर शेप देना है। प्रॉन पार्ट पे काट लगा रख देना है। स्लिप कटिंग भी हो गया है। अभी देखिए फ्रंट पार्ट के लिए बैक पार्ट लेना है, जैसे है बिल्कुल वैसे पहले निशाना लगा लेना है। अब इसको हटा लेना है। फ्रॉन हार्मोन के लिए शेप नहीं चाहिए, फिर भी चाहो तो हल्का सा यहाँ पे दे सकते हो ऊपर की तरफ, लेकिन जितना यहाँ पे होगा ना उतना यहाँ पे उठा के देना है, अगर नहीं तो नहीं देना है डीप नेक पे। अभी हो गया है, लेकिन यहाँ तक देखिए बैक पार्ट था, लेकिन यहाँ से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई के लिए। जितना भी सिलाई मार्जिन के लिए चाहिए ना यहाँ से हमें मिल जाएगा। अब इसको सीधा करो। अभी यहाँ से फ्रॉन्ट नेक डीप लेना है, आपको अपने पसंद के हिसाब से लेना है। यहाँ पे मैं 7 इंच रखूंगी, चाहो तो 7.5 6.5 अपने हिसाब से ले सकते हो। इसको पहले सीधा करना है, इसको भी सीधा करना है। अभी यहाँ से नेक का चौड़ाई, अगर फ्रंट पे बहुत छोटा चाहिए तो 2.5 इंच लेना है, नहीं तो 2.75 इंच यहाँ पे रख देना है। इसका गुलाई देना है इस तरीके से दो। अगर बहुत ज्यादा फैला हुआ चाहिए तो और भी गहरा ऐसे यहाँ पे देना है। टोटल बास्ट पॉइंट है इस साइज पे 10 इंच, लेकिन आपको सिलाई के लिए कॉटरी जो पार्ट है ना यहाँ पे सिलाई होगा, इस पार्ट और इस पार्ट का यहाँ पे मिला के सिलाई होगा, शोल्डर पे सिलाई होगा, दोनों मिला के मिनिमम 1.25 इंच, 1 इंच से 200 ज्यादा आपको एक्स्ट्रा लेना है। इसको सीधा कर लेना है। अभी कॉटरी के लिए लेना है। कॉटरी के लिए सबसे इजी तरीका, जितना आपका अपर चेस्ट का मेजरमेंट है उसका 10वां भाग लेना है। यहाँ पे 40 था तो उसका 10वां भाग है यहाँ पे 4 इंच, सेम आपको इसके साथ 4 इंच प्लस करना है। ये सिंगल कटोरी भी सेम है, डबल कटोरी भी सेम है। अभी यहाँ पे क्या करना, आपको एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। नॉर्मली एक्स्ट्रा मैं क्या करती हूँ, अगर किसी का फुल वर्क बहुत कम है उस टाइम पे 1/2 इंच लेती हूँ, अगर किसी का फुल वर्क ज्यादा है तो 1 इंच, अगर किसी का फुल वर्क बहुत हैवी हो तो 1.5 इंच। लेकिन इस पे भी देखिए सेम आपको, अगर फुल वर्क बहुत छोटा है तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखो, इसके साथ और भी 1/2 इंच आपको एक्स्ट्रा रख देना है। जितना टोटल आपको चाहिए उसके साथ और भी 1/2 इंच रखना है। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता है कैसे क्या करना है, उस टाइम पे जितना मिलते हैं ना उसके साथ और भी 1 इंच एक्स्ट्रा लो, लेकिन सिंगल कॉटरी ब्लाउज के लिए और भी 1/2 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। टोटल देखिए यहाँ पे कितना हुआ है, 9.5 इंच यहाँ पे कॉटरी के लिए हो गया है। इसमें देखिए अगर आपका छोटा होता है ना और भी 1/2 इंच कम कर दो। अब जितना मिला है ना उसको हाफ कर लो, इसका मिडल निकाल दो। ये जो मेजरमेंट है ना, इस मेजरमेंट पे आप 41-42 भी कर सकते हो। अभी ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलाना है। यहाँ से देखिए और एक मेजरमेंट लेना है, चाहो तो 5 इंच या 5.5 इंच कहीं से भी ये मिला सकते हो। थोड़ा सा गुलाई में करते हैं इसको। यहाँ से कितना लेना है, बिल्कुल यहाँ से सिलाई के बाद यहाँ पे 3 इंच से 2 सू ज्यादा चाहिए, लेकिन सिलाई के लिए आपको और भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है तो 4.25 इंच यहाँ पे रख दूंगी। अब इसको सीधा करना है। इसमें अगर कोई और भी एक्स्ट्रा रखना चाहते हो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी दोनों पॉइंट को मिलाना है, लेकिन इसको हल्का तिरछा करना है ऐसे। देखिए सीधा, ये जो सीधा है ना ऐसे नहीं रखना है, मिनिमम 1/2 इंच ऐसे तिरछा करना है इस तरीके से। अभी यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ से बिल्कुल यहाँ से आपको 3 इंच रख देना है, ठीक है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, आप चाहो तो यहाँ पे भी मिला सकते हो या चाहो तो 1/2 इंच या 1.25 इंच भी डाउन कर सकते हो। तो बिग साइज है, मैं 1/2 इंच यहाँ पे नीचे की तरफ रख दूंगी। अब इस पे रखिए, ये जो पॉइंट था ना इसको मिडल का पॉइंट, इसको सीधा नीचे की तरफ लाना है। अब यहाँ पे टैक्स के लिए 3.5 इंच रख दो, इसको ऐसे फुल करो। अभी दोनों पॉइंट को मिला दो, सिलाई के लिए यहाँ पे छोड़ दो। इसके हिसाब से हमें कटिंग करना है, जब फैब्रिक पे कटिंग होता है ना इस तरीके से लेना है। तब अलग से क्या होता है, सिलाई मार्जिन लेने का जरूरी नहीं होता है, डायरेक्ट यहाँ पे हो गया।
अभी देखिए जो पॉइंट है ना इसके साथ मिलाना है, यहाँ पे सिलाई मैंने पूरा ऐड कर लिया, जब आप सिलाई करोगे ना उसमें यहाँ से होगा। अभी ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलाना है, हो गया है यहाँ पे। अभी ये जो पार्ट है ना इसको ऐसे तिरछा करना है, ये पार्ट जैसे है ना, ये निशाना जैसे है बिल्कुल वैसे इसको तिरछा कर लो, हो गया। और बेल के लिए बैक पार्ट लो, इसका चौड़ाई के हिसाब से लेना है, यहां से पहले शेप दो। मिडल में से देखिए कितना ले रहा है, 4.5 इंच रख दो, इसको पहले सीधा करो। अभी देखो यहाँ पे 4.5 इंच है, इस साइड पे देखिए 5 इंच है, और यहाँ पे 5.5 इंच रखो, थोड़ा ज्यादा हो गया, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ से लेते हैं। पूरा यहाँ पे हो गया, और कुछ भी नहीं करना है। देखा ना कितना अच्छे तरीके से यहाँ पे हो गया है। अभी क्या करना है, फैब्रिक कटिंग करते टाइम इसको सिर्फ उरेप काटना है, बाकी ये उरेप नहीं काटना है। किस तरीके से सिलाई करना है कमेंट बॉक्स पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके देख लेना। दोस्तों अभी मैंने जिस तरीके से आपको कटिंग समझाया, अगर आप सेम तरीके से करते हो उस टाइम पे आपका ब्लाउज भी मेरी तरह परफेक्ट फिटिंग जरूर होगा। यहाँ पे किसी किसी का क्वेश्चन रहता है, आप सिर्फ अपने बॉडी के हिसाब से जो ब्लाउज है वो ही पहन के दिखाते हो, बाकी क्यों नहीं? देखिए कैमरा के सामने हर किसी को लाना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ किसी को लाने के लिए ब्लाउज पहना के आप लोगों को दिखाऊं, समझाने की कोशिश करूं। देखिए 32, 33, 34 तीनों का जो साइज है ना, मैं पहन के आपको दिखाती हूँ कैसे होता है। देखिए तरीका अगर सही होता है ना, उस टाइम में ब्लाउज का साइज ज्यादा या कम हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ अपनी बॉडी के हिसाब से उसे फिटिंग से लगा लेना है। तो मैं जितना भी साइज थोड़ा ज्यादा हो फिर मैं फिटिंग्स लगा ले, थोड़ा दबा के फिटिंग्स करके मैं पहन के आप लोगों को दिखाती हूँ। तो आप लोगों को क्या दिख रहा है, सिर्फ यहाँ पे आर्महोल पे कितना अच्छा फिटिंग्स हुआ है, शोल्डर घिरता है या नहीं, ये आपको मेन बात है। बाकी बॉडी पे कम ज्यादा उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत सिर्फ शोल्डर गिरना और आर्महोल का दिक्कत होता है ब्लाउज में। तो ये अगर आपका सही हो गया ना उस टाइम पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, पसंद आने पर लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से मुलाकात होगा और एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको टाटा।